वहीं सशस्त्र सेना बल श्रीनगर गढ़वाल सेंटर में पासिंग आउट परेड में सोमवार को सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही 278 जवानों को भारतीय सेना का अंग बनने का गौरव हासिल हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं और उनके परिजनों को बधाई दी और कहा कि ऐसे क्षण का साक्षी बनना सैनिक पुत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि एसएसबी के कार्य क्षेत्र के आसपास मेरा बचपन बीता है और मैं इनकी सराहना करता हूं। सीमा पर रहने वाले लोग भी प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। संयोग से मुझे भी, क्योंकि जो एसएसबी का कार्यक्षेत्र है उसी कार्यक्षेत्र के आसपास मेरा बचपन बीता है और इस सशस्त्र सीमा बल के साथ में नजदीक से मैंने उसको देखा है, उनके साथ मिलकर काम किया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रतन संजय जी भी हैं यहाँ पर, कि जो सीमा पर जो रहने वाले लोग हैं, जो भारत की सीमाओं के आसपास जो हमारे देश के नागरिक हैं, मैं कहता हूँ कि वो भी केवल देश के नागरिक नहीं हैं। देश के नागरिक तो है ही, उसके साथ साथ वो आप सबके साथ, जैसे आप सीमा प्रहरी के रूप में काम करते हैं, वो सारे लोग भी प्रहरी के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उन सबके साथ किस प्रकार का सामंजस्य हो, किस प्रकार का हमारा मेल मिलाप हो, किस प्रकार की हमारी आत्मीयता हो, अपने बल की सेवा के अतिरिक्त, हमारे कर्तव्यों के अतिरिक्त, अगर हम इस ओर भी, क्योंकि हमारे सारे नौ प्रशिक्षु विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी सेवा देने का काम करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।